देखिए वो पहले ही हार मान चुके हैं, ये तो लोगों को सजबाग दिखा रहे हैं। एक वोट जिहाद आजकल कांग्रेस की फितरत के अंदर आ गया है, वोट जिहाद को लेकर के लोगों की वोट को झूठ बोल करके कलेक्ट करना। राहुल गांधी को देखिए, राहुल गांधी बोलता है कि एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा, अपनी दादी के कार्यकाल की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 35 वर्ष तक वोट लेते रहे, ये वोट जिहाद है। 35 वर्ष तक इस नाम के ऊपर देश के लोगों का वोट लेते रहे कि गरीबी हटेगी, गरीबी नहीं हटी। जब लोगों का विश्वास उठ चुका अभी 35 साल में गरीबी नहीं हटी, फिर राहुल गांधी के पिता ने एक और बयान दे दिया। वो कहने लगा कि मैं तो एक रुपया भेजता हूँ और रोहतक में जाकर के 15 पैसे लगता है, 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, गरीब व्यक्ति के अरमान दबते थे, गरीब व्यक्ति को जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं मिल पाती थी, देश के अंदर जो विकास होना था विकास नहीं होता था, ये वोट जिहाद था। और लोग देखते रहते थे कि सरकार बनी है और उनकी बाद में उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। हमारी माताएं बहनें आप लोगों के सामने है, 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी लेकर के आती थी, परंतु आज नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये सरकार ने पहली बार इन 10 वर्षों के अंदर की है। आज उन माताओं को भी सम्मान दिया है। और फिर ये वोट जिहादी है। राहुल गांधी बोलता है कि आप हमें वोट दो, मैं 1-1 लाख रुपया ठकाठक खटाखट खाते के अंदर पहुंचा दूंगा। अरे भाई, किसने तेरे को लिख कर दिया? ये तो कोई लिख करके इसको राहुल गांधी को देता है, उसको ये पढ़ता है और पढ़ करके बोलता है 50 लाख करोड़ रुपए का बजट बनता है। देश का बजट जो हमारा टोटल है 46 लाख करोड़ रुपए का है। गरीबों को अगर ये लाख लाख रुपए देगा तो 50 लाख करोड़ रुपए बनता है। कहां से देगा? किसने इसको लिख करके दे दिया? ये वोट जिहाद है। लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा करो, झूठ बोलो, वोट लो, उनका शोषण करो, अपने आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाओ। ये सोच ये कांग्रेस पार्टी की रही है। कांग्रेस पार्टी ने कितने घोटाले देश के अंदर किए हैं। आज जो हिंदी गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि हमने देश का भला करना है, वो इसलिए भी इकट्ठे नहीं हुए कि हमने प्रदेश का भला करना है, वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं कि हमने देश को बचाना है, देश का विकास करना है। इंडी गठबंधन के लोग बोलते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, परिवार को बचाना है। आप कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति कांग्रेस को पानी पी पी करके गाली देता था, मंच पर खड़ा होकर के बोलता था मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, कांग्रेस की अगर जांच की जाए, सोनिया गांधी की जांच की जाए तो तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी, इतने घोटाले कांग्रेस के ऊपर हैं। ये बात ये केजरीवाल बोलता था, जो एक दूसरे को गाली देते थे, कांग्रेस केजरीवाल को गाली देती थी, केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता था, दोनों भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त थे। और जो एक दूसरे को गाली देते थे वो एक दूसरे के गले मिल गए। गले क्यों मिले? कि देश के अंदर वो भ्रष्टाचारियों को बचाएं, और देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है, और मोदी जी की सोच है कि हमने देश का विकास करना है, देश को बचाना है, देश की भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगानी है। ये लोग देश को लूटने का काम करने के लिए वोट मांगते हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वोट मांगते हैं, परिवार को बचाने के लिए वोट मांगते हैं।